नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज। चुनाव आने पर सियासी आरोप लगाने का सिलसिला तेज हो चुका है। चौकीदार ने अनिल अंबानी को दिया नोटबंदी की, आपसे कहा था लाइन में खड़े हो जाओ काले धन के खिलाफ लड़ाई, आप सब लाइन में खड़े हुए। ऐसे में अरुण जेटली ने राहुल गांधी पर एक बड़ा आरोप भी लगाया, लेकिन इससे पहले बता दें कि राहुल गांधी तब सुर्खियों में आए थे जब उन पर जान से मारने वाली बात अभी हाल फिलहाल में सामने आई थी, जिसमें दावा भी किया जा रहा था कि वो मात्र एक फोन की लाइट थी और कुछ नहीं। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी से नामांकन दाखिल किया था। स्मृति ईरानी ने हलफनामे में अपनी शैक्षिक योग्यता 12वीं पास बताई थी, जिसको लेकर स्मृति ईरानी की डिग्री पर कांग्रेस द्वारा निशाना साधने के बाद अब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की डिग्री पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वैसे तो आए दिन राहुल गांधी राफेल पर नरेंद्र मोदी को घेरते आए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ना सही इस बार अरुण जेटली ने सोशल मीडिया पर ब्लॉग के जरिए राहुल गांधी की पढ़ाई पर कटाक्ष करते हुए पूछा है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने बिना मास्टर डिग्री की पढ़ाई के एमफिल की डिग्री पूरी कैसे कर ली। जेटली ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं। अरुण जेटली ने फेसबुक पर अपने ब्लॉग में इंडियाज अपोजिशन इज ऑन ए रेंट एक कॉज कैंपेन में लिखा है कि बीजेपी उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की शैक्षिक योग्यता को सब भुला दे रहे हैं। राहुल गांधी की शैक्षिक योग्यता को लेकर कई सवाल है जिसका जवाब नहीं मिला है। बेशक उन्होंने एमफिल की डिग्री बिना मास्टर डिग्री का कोर्स किए पूरी कर ली हो, पर अगर कर ली है तो वो सबूत दे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की शैक्षिक योग्यता को लेकर कई सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की विदेश में ली गई डिग्री पर साल 2009 में भी विवाद खड़ा हुआ था। दरअसल राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2004 और 2009 में बताया था कि उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में एमफिल किया है। वही 2014 में राहुल गांधी ने कहा था कि उन्होंने डेवलपमेंट स्टडीज में एमफिल किया है। जेटली ने कांग्रेस अध्यक्ष की इस सूचना को आधार बनाकर उन पर सवाल उठाए हैं। अब ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वाकई में राहुल गांधी की डिग्री में कुछ गड़बड़ घोटाला है, या फिर ये बस कांग्रेस पार्टी को घेरने की एकमात्र चाल है। दिलचस्प बात ये भी होगी कि राहुल गांधी अरुण जेटली को क्या जवाब देंगे। क्या स्मृति ईरानी की तरह राहुल गांधी पर ये दागे गए सवाल सियासी रंग ले लेंगे या नहीं। ऐसे में बने रहिए एचसीएन न्यूज के साथ, और जो दर्शक एचसीएन न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।